शुरू से 32 के विरोध में थे और ये तय है कि 32 का खतियान नहीं लागू होगा। इस मुख्यमंत्री में अगर है कुवत, विधानसभा में प्रस्ताव लाए कि जिनके पास 32 का खतियान हो वही झारखंड में न्यायपालिका, नगर पालिका का, ग्राम पंचायत का और विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ा है मुख्यमंत्री कुवत। तो इसीलिए इस मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये खुद मतलब कि इनका दिमाग नहीं काम कर रहा। हम तो डिमांड करते जब आपने हड़बड़िए ब्याह कनपट्टी सिंदूर वाली कहानी कर दी है तो आप लाइए प्रस्ताव, है आपने कुवत। मैम हम डर नहीं लग रहा है, हम इस मुख्यमंत्री के कुचित प्रयास का विरोध कर रहे हैं। भाजपा के मुंह से क्यों कुछ नहीं निकल रहा है भैया, वोट बैंक का सवाल है। अब मुख्यमंत्री ने जो सॉलिड गेम कर दो चीज किया है, मुख्यमंत्री ने तो पहला तो सॉलिड गेम करके भाजपा को चुप करा दिया, दूसरा सेल्फ गोल कर लिया। कांग्रेस न 3 में है न 13 में है, यहाँ पे सरकार में जो मुख्यमंत्री चाहते हैं वही होता है। कांग्रेस की किसी विधायक की हिम्मत है, किसी मंत्री की हिम्मत है मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल देने की? झारखंड के किसी भी दल में इतना कुवत नहीं है कि वोट के लालच में 32 का विरोध में वोटिंग कर दे। छू थू है उन कुछ कैबिनेट में मंत्रियों पर जो बोलते थे हम 32 नहीं लागू होने, 32 लागू होगा तो हम विरोध कर दे, बन्ना गुप्ता ने कहा था शायद ऐसा। झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति की मांग को लेकर लगातार आदिवासी मूलवासी सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं आपको जानकारी दे देंगे कि झारखंड सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति को कैबिनेट से पास कर दिया है, जिसके बाद राज्य में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो 1932 खतियान का विरोध भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदीप तिवारी जी, हम इन्हीं से बात करते हैं कि लगातार राज्य में जश्न का माहौल है, 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति लंबे समय से तमाम जो आदिवासी मूलवासी है वो इसकी मांग कर रहे थे, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, आखिर विरोध क्यों? विरोध इसलिए कि झारखंड में मात्र आप एक सर्वे देख लीजिए, मात्र 33% लोगों के पास आपको 32 का खतियान मिलेगा। देश हमारा आजाद हुआ, दो बातें मैं बताना चाहूँ, देश हमारा आजाद हुआ 1947 में, 1947 अधिनियम के तहत उसके पहले का आप कोई सर्वे को मान्य नहीं करा सकता, पहली बात। दूसरी बात कि क्या मुख्यमंत्री जी सिर्फ क्या झारखंड सिर्फ 33% लोगों से चल पाएगा? 77% लोगों में कितने लोगों को ग्राम सभा आइडेंटिफाई कर पाएगा? जो लोग 56 से 50 से 60 से 70 से यहाँ रह रहे हैं, जिनका पढ़ाई जन्म यहाँ हुआ, पढ़ाई लिखाई यहाँ हुआ, मेडिकल सारा उनका आइडेंटिटी यहाँ से है, जिनको बिहार से क्यों मतलब, वो तो कहीं के नहीं रह गए। माननीय मुख्यमंत्री जी उन लोगों बिहार में संहिता का अधिकार दिलवाएंगे क्या? हमारा मुद्दा यही है कि आप देखिए, एक साथ तीन राज्य का बंटवारा हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ में बंटवारे के दिन से ही 2002 को स्थानीयता का अधिकार कट ऑफ डेट मान लिया गया। उत्तराखंड में भी 2002 को कट ऑफ डेट माना गया, कुछ विवाद हुआ, मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया, बाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फिर 2002 को ही कट ऑफ डेट मान लिया। तो क्या झारखंड कौन इंग्लैंड में है, देश से बाहर है क्या? जब एक साथ तीन राज्यों का बंटवारा हुआ वहाँ, हमारा यही डिमांड है कि भैया जो वहाँ जब एक साथ तीनों राज्यों का बंटवारा हो तो जो वहाँ कट ऑफ डेट है आप उसी कट ऑफ डेट को लागू कीजिए। अब आप देखिए, टेक्निकली मुख्यमंत्री जी ने खुद विधानसभा में कहा था कि हम दो अगर 2011 को छोड़ दें कि 65 को छोड़ दें, अगर हम 1932 लाएंगे तो ये मामला कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। आपको ध्यान में होगा सरयू राय जी जो एक सर्वश्रेष्ठ मैं उनको राजनेता मानता हूँ, उन्होंने कहा कि 2002 में पांच माननीय उच्च न्यायालय के पांच जजों ने इसको खारिज किया था, पहले उन जजों के आदेश को चुनौती देनी होगी, उसके बाद ही आप इसको विधानसभा से पारित कर। झारखंड के किसी भी दल में इतना कुवत नहीं है कि वोट के लालच में 32 का विरोध में वोटिंग कर दे। लेकिन महामहिम है, केंद्र सरकार है, उसके बाद उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, भेज दिया था सरना कोर्ट अपना मुड़ी पर से ये हटा के। आपने कोर्ट की बात कही, मानसून सत्र जब चल रहा था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधे शब्दों में कहा था कि अगर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू होती है तो वो कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाएगा, वहां से वो रद्द भी हो सकता है। अब ऐसा क्या हो गया कि विशेष विधानसभा सत्र एक दिन का था और उसमें वो ये डिसीजन लेते, क्या कहीं का दबाव है, प्रेशर है उन पर? बिल्कुल, मैं इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी मानता हूँ भाजपा को, भाजपा या ईडी। अगर पहले दबाव डालती तो ये पहले ये सब काम करके निकल ली, क्योंकि इनकी सदस्यता जाने वाली एवरीबॉडी नोज। भाजपा का आपने कहा तो भाजपा अपना अभी तक स्पष्ट नहीं कर रहा है कि आखिर वो किसके साथ है, 1932 के साथ है या फिर नहीं है। अब देखिए, भाजपा प्रमुख विपक्षी दल है,
और भाजपा भी जब नहीं, मैंने आपसे साफ कहा ना किसी भी दल में इतनी कुवत नहीं है कि वोट परसेंटेज के लालच में 32 का विरोध करे, किसी भी दल में इतनी कुवत नहीं है। और कि आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने हमें रास्ता दिखाया था, मुख्यमंत्री जी केवल प्रेशर में है, नहीं तो आप देखिए कोल्हान में 65 लाख लोगों के पास आप चल जाइए, खतियान नहीं है, आप चल जाइए साहेबगंज, राजमहल चल जाए, पाकुड़ चले, उरवा पहाड़ चले, वहाँ किसी के पास खतियान नहीं है। तो क्या मुख्यमंत्री खाली धनबाद बोकारो के लिए, जहाँ पे आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी? आपको याद होगा पहले धनबाद बोकारो से भोजपुरी मगही हटाओ का आंदोलन शुरू हुआ, मुख्यमंत्री ने पता नहीं किस आधार पर लागू करवाया था, किस आधार पर हटा दिया, फिर जैसे सिर्फ में जोड़ दिया। तो इसीलिए इस मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये खुद मतलब कि इनका दिमाग नहीं काम कर रहा। मुख्यमंत्री के सलाहकार लोग जो हैं वो 32 का खतियान कहाँ से लाएंगे बताइए। हम तो डिमांड करते हैं इस मुख्यमंत्री में अगर है कुवत, विधानसभा में प्रस्ताव लाए कि जिनके पास 32 का खतियान हो वही झारखंड में न्यायपालिका, नगर पालिका का, ग्राम पंचायत का और विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ा है मुख्यमंत्री में कुवत। हम तो डिमांड करते, जब आपने हड़बड़िए ब्याह कनपटिए सिंदूर वाली कहानी कर दी है तो आप लाइए प्रस्ताव, है आपने कुवत, कितने लोगों के पास है? आपको भी लग रहा है कि हड़बड़ी में ये डिसीजन? बिल्कुल बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री, जो BITN मुख्यमंत्री कहता है हेमंत है तो हिम्मत है, पहले बोलता है कि नहीं लागू हो पाएगा कोर्ट में, तो मतलब कोर्ट में जब ये फेल हो जाए तो अपना अपना बेइज्जती कराने के लिए इसको फिर कैबिनेट से पास करवाया, क्यों पास करवाया? उस समय कोर्ट से फेल हो जाए तो आप कोर्ट से पास हो जाएगा? ये सिर्फ 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 हड़बड़ी में ही अपना प्रेशर अपने सर, नहीं कहते अपने सर का बोझ दूसरे सर पे डाल देना। लेकिन आप लोगों को क्यों डर लग रहा है? अभी तो विधानसभा में गया नहीं है, तमाम प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मैम हम डर नहीं लग रहा है, हम इस मुख्यमंत्री के कुचित प्रयास का विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम लोग शुरू से 32 के विरोध में थे और ये तय है कि 32 का खतियान नहीं लागू होगा, ये तय है, क्योंकि मामला और सब जगह हो जाए, माननीय न्यायालय है ना हमारे साथ, हम सड़क उतर के इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, इसका कुचित प्रयास का, हम मुख्यमंत्री के कुचित प्रयास का विरोध कर रहे हैं। बिहार से 2000 में झारखंड अलग हुआ, ठीक है, बिहार में डोमिसाइल 1932 है, लोगों का कहना है कि जब बिहार में 1932 है तो झारखंड में 1932 रहेगा तो क्या दिक्कत है? मेरा यही कहना है कि उस समय के तमाम आंदोलनकारी जी, शिक्षा मंत्री अपने को टाइगर कहते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म प्रमाण पत्र किस राज्य ने जारी किया था? जब आप उस समय झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे अलग करने की, उसी समय आपने क्यों नहीं कहा कि जिनके पास 32 का खतियान वही केवल झारखंड में रहेंगे? उस समय आपने क्यों नहीं कहा? उस समय हमारे आदरणीय गुरु जी ने क्यों नहीं कहा? जितने झारखंड आंदोलनकारी थे जब झारखंड अलग हो रहा था उस समय आपको लिखना चाहिए था ना कि जिनके पास 32 का खतियान नहीं है यहाँ का वो यहाँ नहीं रहेंगे, उस समय आपने क्यों नहीं कहा? और अब अपराध को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, उस समय आपने क्यों नहीं कहा? उस समय कहना चाहिए था ना कि हम आपके साथ यह अन्याय करेंगे, भविष्य में आप यहाँ से चले जाइए। उस समय आपने क्यों नहीं डिफाइन किया कि भैया जिनके पास 32 का खतियान वही झारखंड की सीमा में रहेंगे और आप आज ये बात लागू कर रहे हैं? अच्छा, भाषा का जो विवाद है वो थम नहीं रहा है, भोजपुरी मगही अंगिका को बाहरी भाषा बोल रहे हैं, उर्दू को भी जी। कैसे इसको जस्टिफाई कीजिएगा कि ये झारखंड का है? अब ये देखिए, ये भाषा का विवाद भी आग लगाया हुआ है, आप समझिए, ये पॉलिटिकली क्रोनोलॉजी समझिए। धनबाद बोकारो में आपको ध्यान होगा पहले भोजपुरी को बिना किसी को बताए भोजपुरी को लागू कर दिया गया, उसके बाद जब कुछ लोग इसके प्रेशर में प्रेशर बना ले तो फिर रातों रात हटा दिया गया, अब फिर जैसे सी में जोड़ दिया गया। ये सिर्फ एक राज्य को राजनीतिक अस्थिरता में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं है, भाषा विवाद भी कुछ नहीं है। अगर ठीक है नहीं था तो कार्मिक विभाग ने मुख्यमंत्री अधिकारियों पर कार्रवाई करें जिन्होंने उनको गुमराह करके भाषा लागू करवाई है, कार्रवाई करने की हिम्मत? क्योंकि एक मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि या भाषा विवाद हो या 32 का विवाद हो, ये केवल राज्य को अस्थिर करके अपनी रोटी सेकने का, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का, अगर राजनीतिक रोटी सेकने का नहीं होता तो माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह चिल्ला कर कहा था विधानसभा में कि 32 हम लागू कर दें कोर्ट खारिज कर देगा, तो आज आखिर 32 लागू करने की क्या मजबूरी हो गई आपके खिलाफ? और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उन कुछ आंदोलनकारियों का, भाई जयराम महतो का, मोतीलाल महतो, तीर्थनाथ आकाश जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की, विकास महतो जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की, कि आपने दबाव दिया इस मुख्यमंत्री तो अपने को बोलता हेमंत है तो हिम्मत है। इस मुख्यमंत्री का पर्दाफाश हुआ है इसे ये करने से, क्योंकि जब जो मुख्यमंत्री खुद बोलता है कि हाईकोर्ट इसको खारिज कर देगा फिर इसको लागू करता, मतलब आप अपनी बेइज्जती करवाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे सलाहकारों को बैठा लिया उन्होंने कि आप अपनी बेइज्जती करवाने के लिए इसको लागू किए, फिर कैबिनेट से पास किया और छू है उन कुछ कैबिनेट में मंत्रियों पर जो बोलते थे हम 32 नहीं लागू होने, 32 लागू होगा तो हम विरोध कर देंगे, शायद बन्ना गुप्ता ने कहा था, शायद ऐसा कहे, चुप हैं आप, विरोध करके आइए ना सड़क पे, थू है बादल पत्रलेख जी पर,
जो कि अंगिका मैथिली बोलने वाले क्षेत्र से आते हैं, तू है मिथिलेश ठाकुर पर जो कि भोजपुरी बोलने वाले क्षेत्र से आते हैं और चुपचाप भोजपुरी का अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं। चाहे देखिए पक्ष और विपक्ष की बात कर लेंगे, बीजेपी चुप्पी साधी हुई है, उनका 1932 के साथ कैसा है क्या है वो स्पष्ट नहीं कर रही है। कांग्रेस की ओर से स्वागत किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के कई विधायक सांसद खुले में बोल रहे हैं कि कोल्हान पूरा जल जाएगा अगर 1932 खतियान लागू होता है तो। कांग्रेस न 3 में है न 13 में है, यहाँ पे सरकार में जो मुख्यमंत्री चाहते हैं वही होता है। कांग्रेस की किसी विधायक की हिम्मत है, किसी मंत्री की हिम्मत है मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल देने की? लेकिन पार्टी लेवल से कुछ विरोध नहीं? मैंने आपसे कहा कि किसी भी दल में 32 का विरोध करने की क्षमता नहीं है। भाजपा के मुंह से क्यों कुछ नहीं निकल रहा है भैया? वोट बैंक का सवाल है। अब मुख्यमंत्री ने तो जो सॉलिड गेम कर दो चीज किया है, मुख्यमंत्री ने तो पहला तो सॉलिड गेम करके भाजपा को चुप करा दिया, दूसरा सेल्फ गोल कर लिया, सेल्फ गोल कर लिया, कोर्ट से इज्जत कराने के लिए अपना इज्जत ले जाने के लिए सेल्फ गोल कर लिया। ये मैंने आपको शुरू से कहा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड के आदिवासी भाई भोले भाले हैं, बुर्बक नहीं है। आप सब समझते हैं कि आप जो गेम खेल रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता के बीच मुख्यमंत्री इस तरीके से फैसले ले रहे हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री, अब देखिए चुनाव में जाना है उनको, एवरीबडी नोच की उनकी सदस्यता जाने वाली है लगभग, जैसा सुना जा रहा है। चुनाव में जाना तो कुछ तो चाहिए ना लड़ने के लिए कि हमने ये प्रस्ताव पारित कर दिया, कुछ तो बेस चाहिए ना। नहीं तो 2.5 साल में क्या किए आप ही देख रहे हैं, धड़ाधड़ अभी 10 दिनों के अंदर धड़ाधड़ जो घोषणा करा कि 10 दिन 2.5 साल से कहाँ से उतर थे कि अभी घोषणा कर रहे हैं। ये तो धन्यवाद के ईडी को कि जिन्होंने प्रेशर बनाया इनकी सदस्यता जारी की, धड़ाधड़ ये घोषणा कर रहे हैं। ये केवल मुख्यमंत्री एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं झारखंड में आग लगाने का और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का। आदिवासी मूलवासियों का कहना है कि लगभग 22 साल के बाद उनको हक और अधिकार मिला है, और एक और आप लोग विरोध कर रहे हैं कि अगर 1932 खतियान लागू होता है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं उन आदिवासी मूलवासी भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि आप खुश मत होइए, इस मुख्यमंत्री का कुत्सित प्रयास समझिए। जिस मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया है कि हम हाईकोर्ट, हम 32 लाएंगे हाईकोर्ट न्यायालय खारिज कर देगा, वही मुख्यमंत्री आप लोग को उल्लू बनाकर अपना राजनीतिक रोटी सेकने के ला रहा। अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है ना, अभी कैबिनेट से पास हुआ, विधानसभा से पारित हो जाए, किसी भी दल में क्षमता नहीं विरोध करने से माननीय महामहिम राज्यपाल, केंद्र सरकार इस पर विचार करे, केंद्र सरकार तो कहिए सरना कोर्ट विचार कर रही है ना, उसके बाद न्यायालय है। 2002 में जिन 5 माननीय न्यायाधीशों ने इसको खारिज किया तो उनका बेंच को उनका आपको चैलेंज करना, बहुत लंबी प्रक्रिया जो कि संभव नहीं है। ये एक्चुअली आप देख लीजिए, आप किसी भी अच्छे शिक्षाविद से पूछिए, 32 संभव नहीं है, सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। लोगों के अंदर अभी जिज्ञासा है कि आखिर क्या होगा, 1932 लागू होगा या फिर 1932 लागू नहीं होगा। लेकिन हम आपसे पूछेंगे अगर 1932 लागू हो जाता है झारखंड में कितनी परेशानी होगी यहाँ के आधे लोगों को? मैडम मैंने कहा तो कि क्या 1932 लागू करेंगे तो फिर इनको कोल्हान को झारखंड से बाहर करना होगा, साहेबगंज, राजमहल, उरुआ पहाड़ में तो 3 जिला आता है, उसमें भी विधायक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें ना, आप मधु कोड़ा सरकार के, उन्होंने बोला 65 लाख लोग कहाँ से जाएंगे। देखिए ये आपके कई जिलों में 1965 में सर्वे हुआ है, कई जिलों में 1911 में सर्वे हुआ है, ये तो आप कैसे 32 का खतियान लागू कर दीजिएगा, बाकी जिलों को छोड़ दीजिएगा। 33% लोग झारखंड के स्थानीय रह जाएंगे, 33% लोग सरकार चला के दिखा लीजिए, चुनाव करा के दिखा लीजिए। मुख्यमंत्री को पुनर्विचार करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ कि मुख्यमंत्री को काहे का BITN है भाई, मुख्यमंत्री गुरुजी का सारा पैसा लगा इनके पीछे बेकार हो गया, मुख्यमंत्री को इस पर विचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं दबाव में नहीं, ये गलत निर्णय लिया गया, इसलिए मुख्यमंत्री को पुनः विचार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा है कि अगर किन्हीं के पास 1932 खतियान नहीं है तो वो मुखिया या फिर किसी के पास जाकर लिखवा सकते हैं। मैडम कितने लोगों को, 77% लोगों को ग्राम सभा आइडेंटिफाई करेगा, 32 के कितने मुखिया यहाँ पे, 32 के कितने लोग जिंदा है, 32 के कितने लोगों के पास प्रूफ है। इसीलिए तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये हड़बड़ी में लिया गया निर्णय और गलत निर्णय है। आप बताइए कि 32 का कितने लोगों के पास प्रूफ है, कितने कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हम 32 से यहाँ है कि नहीं है, कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा? आप ग्राम सभा फेंक दिए, ग्राम सभा कितने लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हम 32 से यहाँ पे हैं? कितने पुराने लोग अभी जिंदा हैं जो कि आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हाँ ये आदमी इसका पूर्वज 32 से यहाँ रह रहा है? कितने पुराने लोग अभी है धरती पे जो 32 का लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे? आगे अब आप लोगों की क्या कुछ रणनीति होगी? हम लोग जैसे जैसे मुख्यमंत्री, अभी आपने देखा कि हम लोग सड़क पे उतर कर, सड़क से लेके सदन, तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि सदन में सभी तो मुर्दा हैं,
मुर्दा लोग हैं जो कि इसका विरोध नहीं कर पाएंगे, जिनका जमीर मर गया है। मतलब सदन तक आप लोग नहीं जाएंगे? सदन सदन हम कोई विधायक थोड़े हैं कि हम सदन पे जा पाए। अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं? आवाज तो पहुंचाएंगे, आवाज आप लोगों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से पहुंचाएंगे। सदन के लोगों में इतना जमीर में ताकत नहीं है कि 32 का विरोध कर पाए। इससे पहले भी आप लोग आंदोलन किए थे, भाषा को लेकर कितना आंदोलन चल रहा था, लेकिन आप लोग सिर्फ 10-15 लोग ही सड़क पर दिखते हैं, और लोग कहाँ रहते हैं? ये आप, मैंने, हम लोगों ने धुरा बस स्टैंड में मशाल जुलूस निकाला था, धुरा बस स्टैंड में कई बार पुतला दहन किया, धरना प्रदर्शन किया, उसका विजुअल आप देख लीजिए हम लोग कितने लोग थे, उसका विजुअल आपको मिल जाएगा बहुत सारे न्यूज चैनल पे। उस समय आप नहीं थे, मैं आपको विजुअल उपलब्ध भी करा दूंगा। जो लोग झारखंड बंद कराने निकले, हमारा आंदोलन, हमारा वो हमारा संगठन नहीं था। हमारे संगठन ने 2-3 कार्यक्रम किया धुरुआ में, और विजुअल आपको मिल जाएगा, ये बोलने की बात नहीं, मैं बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकता, आप विजुअल देखिए जस्टिफाई कर लीजिएगा हम लोग कितनी संख्या के साथ आंदोलन किया था, ये आपको विजुअल देखिए जस्टिफाई होगा। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर कोई पहल नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में आप लोग आंदोलन करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे मैडम, निश्चित तौर पर करेंगे। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ेंगे। हमको भगत सिंह बनने से भी गुरेज नहीं है। मतलब लागू होगा तो कई ऐसे लोग होंगे जो सरकारी योजना से वंचित हो जाएंगे? निश्चित तौर पे मैडम, अब तो हम तो बता रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री, तो अगर मुख्यमंत्री में है कुवत तो आप 32 लागू करके दिखा दीजिए ना, आप ही का वोटर कट जाएगा। जितने लोग इनको वोट देते हैं, मात्र 33% वोट से सरकार चला लेंगे। एक सर्वे के अनुसार, हो सकता है मैं गलत हूँ, 1% ऊपर नीचे हो सकता है, मात्र 33% लोगों के पास 32 का खतियान है, बाकी लोग कहाँ? ग्राम सभा चलिए 15% लोगों और आइडेंटिफाई कर देगा, बाकी 50% लोग कहाँ? 50% लोग चल जाएं आपको छोड़कर, आप चला लीजिएगा राज्य, चला लीजिएगा। सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग पेड करते हैं। अच्छा, आदिवासी मूलवासियों का कहना है कि और भी राज्य में देखेंगे उन लोगों की अलग भाषा होती है, अलग संस्कृति होती है, यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा की सूची में बाहरी भाषा को इंक्लूड कर दिया जाता है, उसको लेकर भी यहाँ पर आंदोलन देखने को मिलता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, बंगाल में बंगाली बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है, बिहार में भोजपुरी, आपकी कौन सी भाषा है? झारखंड में कौन सी भाषा है, एक भाषा जिसको आपने आइडेंटिफाई किया कि झारखंड की भाषा है? कौन सी भाषा है झारखंड की, आप बताइए, आपको नॉलेज में है वो बताए ना, झारखंड की कौन सी भाषा है? झारखंड में 13 लगभग इतनी भाषाएं हैं, और हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, उनको बधाई देते हैं, जो 32 के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे उनको बधाई देते हैं, उनकी पहली जीत हुई है लेकिन आखिरी जीत नहीं है। आपने देखा, हेमंत सोरेन ने तो कहा है कि आरक्षण देंगे, अब तो सरना धर्म कोड भी लागू कर रहे थे ना, सर्वोपरि नहीं है, यही उनको गलत फहमी हो गई, सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति वो नहीं है, कहते तो बहुत कुछ है, 25 करोड़ तक का ठेका में देने वाले थे, बेरोजगारी भत्ता देने वाले, लेकिन बेरोजगारी भत्ता उनका चाहिए, अभी चुनाव का जो स्थिति है वो उससे उसको अपने आप को जीत नहीं पाएंगे, उनको दिखा कि 32 का हम कैबिनेट से पास करवा देते हैं चुनाव जीत जाएंगे, कहे ना बेरोजगारी भत्ता 5 लाख सालाना, 5 लाख रोजगार देंगे बोले थे, कहे नहीं दे रहे हैं, कहते तो बहुत कुछ है, करके दिखाइए ना, कहे नहीं करके दिखा रहे हैं, जो केवल राज्य को आग में लगा के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का जो माध्यम वही उसी को कर रहे हैं। बोले तो थे 25 करोड़ का ठेका में आरक्षण देंगे, दीजिए ना, आइए दीजिए। लोग बोलते हैं, अब कुछ लोग बोल रहे थे, मैंने सुना, हाँ जयराम महतो जी ने कहा कि जब तक लागू नहीं होगा हमको इस मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है। मैंने किसी चैनल में देखा, तो वो जानते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन जानते हैं ये छलने वाला व्यक्ति है और सिर्फ छलने का काम कर रहा है। लेकिन अब तो उम्मीद है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, कई ऐतिहासिक फैसले भी ले रहे हैं, वही तो बता रहे कितना लेट से कहा है, अगर आप देखिए कितना राजनीतिक दबाव में है कि धड़ाधड़ पर 2.5 साल से कुछ ही कर रहे थे, घर में सुतल थे आप, इतना राजनीतिक दबाव में है कि अल बल फैसला ले रहे हैं, उसी में ये भी असंवैधानिक फैसला ले लिए कि चलो इसको भी निकाल देते हैं, अपना माथा का बोझ खत्म होगा। अभी देखिए अपने मुंह मियां मिट्ठू बने ना, अविश्वास प्रस्ताव किसने लाया था भैया कि आप विश्वास प्रस्ताव पे वोट करवा लिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये एकदम अलबल फैसला लेके अभी सबसे गलत फैसला इन्होंने, 32 आरक्षण जिनको मिलना चाहिए जिनको, पूरे देश में जो व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, स्थानीय को भी अधिकार मिलना चाहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन स्थानीय आप 32 से कैसे डिफाइन कीजिएगा? मैंने पूर्व की सरकार बुर्वक थी जो 85 को स्थानीय का अधिकार दिया, आप सबसे तेज हैं कि 32 को कर दीजिएगा, करके दिखाइए, खाली कैबिनेट से ना पास किए हैं, विधानसभा से पास कर लीजिएगा, आगे न्यायालय का रास्ता तो आप ही ने दिखाया है ना। मैं धन्यवाद देता हूँ इस मुख्यमंत्री को कि इन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि भैया अभी हम कर देंगे लेकिन तुम लोग न्यायालय चल जाना, इन्होंने ही रास्ता दिखाया।
1932 खतियान को लेकर कहीं जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है। वहीं इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे प्रदीप तिवारी जी, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।